नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव ट्रेन न्यूज। बिहार में वोटिंग से पहले नए समीकरण बनने और बिगड़ने का सिलसिला जारी है। अब पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, बीएमपी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने मिलकर नए गठबंधन की नींव रखी है। इस गठबंधन का नाम प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस यानी पीडीए है। इस मौके पर जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने कहा कि बिहार को कैसे बचाया जाए, उसके लिए एक गठबंधन बनाया गया है। आप मत सोचिए कि अंतिम है कांग्रेस के साथ गठबंधन न करने के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस की आदत अपमानित होने की है। हमने कई बार कहा कि आइए, आपका स्वागत है। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश जी वही हैं जिन्होंने जीतन राम मांझी को संभुवत किया था। आज नीतीश को ऐश्वर्या तो सुशांत तो रघुवंश बाबू याद आते हैं। चंद्रशेखर जी बिहार बचाने के लिए आए हैं। हम स्वागत करेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी का, चिराग पासवान जी का और कांग्रेस का भी। बीजेपी शिखंडी का रोल अदा कर रही है। एक बच्चे की जेब काट ली गई, उसका रेप हुआ, उसके दोनों हाथ पैर तोड़ दिए गए, उसकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर कर दी गई, वो 14 दिन से हॉस्पिटल में है, ना किसी महिला आयोग ने संज्ञान लिया। कल मेरे जाने के बाद कम से कम मैं इसलिए चलाया था कि न्यूज वाले जो संज्ञान लेते हैं और अपराधियों को सजा मिलना जो है आसान हो जाता है। मैं जहां जाता हूँ उसलिए जाता हूँ कि इस देश में रहने वाले 19-20% दलितों की भी कहीं बात हो जाए। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि मैंने इनसे वादा लिया है कि यहाँ भी जातीय अत्याचार पे हम लोग पाबंदी लगाएंगे। मैंने मेरी सबसे पहली मांग ये है कि अगर यहाँ किसी भी अत्याचार तो किसी पे भी नहीं होना चाहिए। अगर जिस वर्ग से मैं आता हूँ दलित समाज, किसी जाति पे अत्याचार होगा, किसी मुसलमान पे, बैकवर्ड किसी भाई पे, किसी महिला पे अत्याचार होगा तो हम लोग एसी के कमरों में नहीं सोएंगे, सड़क पे निकल के जवाब देंगे। और हम लोग सत्ता में होंगे तो ऐसा दिन नहीं आएगा। धन्यवाद। आपत्ति नहीं है, आरएसएस से आपको आपत्ति नहीं है तो मुझको ओबीसी से क्या आपत्ति? मैं कहाँ जाएगी मुझे नहीं मतलब, अभी जो है उस पर बात करिए। हम ज्योतिष नहीं है इन लोगों की तरह, लेकिन बिहार बचाने में कोई कमी नहीं रखेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैंने फिर अंतिम में मैं कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपका कहना है कि मैं उपेंद्र कुशवाहा जी, मैं चिराग पासवान जी से आग्रह करूंगा कि आप लीडर बने, आप परजीवी दलित को ना बनाएं और ना ही कुशवाहा को परजीवी बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। की मदद लेनी पड़े या किसी को मदद देनी पड़े, कुछ लोग अहंकार में बैठे हैं, उनको नहीं पता कि जनता नेता तय करती है। जनता वो होता है आज का समाज नेता उसे मानता है जो उनके बीच में रहता है, जिनसे वो किसी भी समय मिल सके, जिसे अपना दुख दर्द कह सके। और वीआईपी सिक्योरिटी वाले मुझे नहीं लगता है कि गरीबों की आवाज को सुन पाएंगे। धन्यवाद। लेकिन चंद्रशेखर जी एक सवाल कि आप जहां जहां कोई आप चिंता ना करिए, जहां पर सत्ता और कुर्सी का लड़ाई ही नहीं है। कब घोषणा होगी सर ये? भैया जो लोग सत्ता में है उनसे पूछिए कब घोषणा होगी। हमारी घोषणा हो गई और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कहीं भी चंद्रशेखर जी इस देश के, इनकी पार्टी और ये खुद वहां गए हैं जहां जुल्म हुए हैं, ये जुल्म के खिलाफ गए हैं, जुल्म किए नहीं हैं, ये प्रतीक है जुल्म के खिलाफ। इसलिए ये जाति व्यवस्था पर हमला इनका नहीं होता, ये जुल्म पर हमला होता। और किसी को कुछ सर आप कॉमन मिनिमम